नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक मॉप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो शेखावटी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर यूजी सेमेस्टर का यहाँ पर फॉर्म फिल करके बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आपको कंप्लीट देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज पर आ जाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ पर साइड में एग्जाम फॉर्म 2023-24 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूजी सेमेस्टर यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो चुका है बीए बीएससी बीकॉम का। तो चलिए वही फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म 2023-24 पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओपन होने के बाद में यहाँ देख पा रहे होंगे रेगुलर नॉन कैंडिडेट यहाँ पर बीए बी सेमेस्टर बीबीए और बीसीए और बीकॉम और बीएससी, इनका रेगुलर और नॉन कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है। तो फिलहाल हम फिल करेंगे रेगुलर का। तो उसके लिए आपको जिसका भी आप फिल करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो उसकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी एग्जाम फॉर्म की। तो ओपन हो चुकी है एग्जाम फॉर्म, यहाँ पर जो है वो हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन यूजी का भर रहे तो अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए, जो भी जिसका भी बनना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ईयर ऑफ पार्ट आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा बीए सेमेस्टर फर्स्ट का, बीए सेमेस्टर फर्स्ट का। अगर देखिए यहाँ पर क्या करना है, बीए सेमेस्टर फर्स्ट का। इसी के साथ में यहाँ पर रेगुलर हो या नॉन कैंडिडेट हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट का फिल करेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और रेगुलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद में आगे कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे जाते हैं तो हमारे सामने डिटेल ओपन हो जाती है जिसे हमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। नाम यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा। ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसी नहीं कि आपको बताऊँ। तो ये चीज़ें आप क्या है, फुल नाम, फादर नेम और मदर नेम, ये फिल करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का हिंदी में नाम यहाँ पर लिखना है। हिंदी में आप जैसे यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करोगे तो आपका ऐसे भी जाएगा, या फिर आप हिंदी कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या हिंदी कीबोर्ड का आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो भी है आपका नाम वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हिंदी में फिल करोगे, उसी तरीके से फादर नेम में यहाँ पर हिंदी में फिल करोगे, मदर नेम यहाँ पर हिंदी में फिल करोगे। साथ ही में बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वो फिल कर देना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ के बाद में मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेना होगा। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में देखिए यहाँ पर आता है आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपका जो भी है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में जो है वो क्या, आपको आधार कार्ड नंबर में डालने के बाद में एबीसी आईडी कार्ड बनाना है। देखिए एबीसी आईडी कार्ड आपकी जो है वो आपको एक आईडी मिल जाएगी, एबीसी आईडी कार्ड आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जाइएगा और एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पर सर्च कीजिएगा, क्या एबीसी आईडी कार्ड। तो एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पर डिजी लॉकर में जाके आप एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पर बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको 12 नंबर डिजिट के नंबर यहाँ पर आईडी नंबर मिलेंगे, वो यहाँ पर जो है वो डालना होगा। तो कौन सा, 12 नंबर के जो डिजिट आपको मिलेंगे वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में जेंडर आपको सेलेक्ट करने कर लेना होगा और आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना होगा, सब कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और आपका धर्म यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। रीजनल धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में मीडियम आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो आप जो है वो सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा और अपनी फ़ोटो यहाँ पर जो है वो जहाँ पर भी है वो फ़ोटो आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसी तरीके से साइन यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो साइन आप यहाँ पर अपने साइन यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। चलिए फोटो और साइन मैंने अपलोड कर दिए, सभी डिटेल यहाँ पर अपलोड डिटेल बता दी आपको। नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आपका हाउस नंबर, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील और यहाँ पर जो है वो क्या आपको ये डिटेल देखने को मिलेगी। तो तहसील आप यहाँ पर फिल कर देना होगा, स्टेट आप यहाँ पर जो है वो जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिले वो स्टेट आप यहाँ पर फिल कर देना होगा। स्टेट के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो फिल करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर देना होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करने के बाद में पिन कोड नंबर आप यहाँ पर जो है वो डालेंगे, क्या डालेंगे, पिन कोड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद में नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना होगा। देखिए यहाँ पर यूजी का फिलहाल रेगुलर स्टूडेंटों का मैं फिल कर रहा हूँ, रेगुलर के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है नॉन को तो नॉन का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये रेगुलर स्टूडेंटों का यहाँ पर जो है वो मैं फिल कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पर जो है वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जिस भी बोर्ड से आपने ट्वेल्थ किया था वो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में ट्वेल्थ आ गया है, उसकी ईयर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी ईयर है
वो ईयर यहाँ पर डाल देना होगा, रोल नंबर आप यहाँ पर जो है और रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपने कितने लाए थे वो मार्क्स आपको यहाँ पर डालना होगा, और मार्क्स के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो टोटल मार्क्स कितने थे वो टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर जो है वो जो भी आ रही हो वो परसेंटेज यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद में टेंथ की डिटेल यहाँ पर डालेंगे, टेंथ की डिटेल में आपको ईयर आपको डालना होगा सबसे पहले, ईयर के बाद में रोल नंबर आपको यहाँ पर जो है वो डालना होगा, रोल नंबर के बाद में ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपने कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर मार्क्स आपको यहाँ पर डालना होगा, और मार्क्स आपको वो डालने के बाद में जो है वो आपको कितने मार्क्स में से आपका पेपर हुआ था वो यहाँ पर डालेंगे। रिजल्ट में आप यहाँ पर जो है वो परसेंटेज आपका यहाँ पर लिख देना होगा, क्या परसेंटेज, परसेंटेज में रिजल्ट में आप यहाँ पर पास प्रमोट ये भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करनी है, चूज फाइल पर क्लिक करके आप ट्वेल्थ की मार्कशीट और टेंथ की मार्कशीट यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल अपलोड करनी है। तो ये यहाँ पर टेंथ और ट्वेल्थ की यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कॉलेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज की नाम यहाँ पर डालेंगे, तो आपका यहाँ पर जाएगी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज का नाम यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी तीन सब्जेक्ट होंगे आपके तो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में एड पेपर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए आपके तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट आ चुके हैं, उसके बाद में आपकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो इस तरीके से आपकी जो सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रीव्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सभी डिटेल एक बार चेक करने के बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, सभी डिटेल यहाँ पर जो है वो फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, सबमिट प्रीव्यू और एडिट का, तो आप किसी प्रकार का कोई भी चेंज करना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ इंटर हाउस नंबर, देखिए हाउस नंबर एड्रेस में आपको यहाँ पर डालना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना होगा और हाउस नंबर चेक करते हैं, तो हाउस नंबर यहाँ पर डाल देना होगा और विलेज आपका जो भी है वो विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी पोस्ट है वो यहाँ पर डाल के आपको नीचे जाना होगा, नीचे जाके आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो फिलहाल सबमिट हो जाता है, वेट करते हैं थोड़ा सा और सबमिट पर क्लिक करते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कम्प्लीट जानकारी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो है वो आ रहा है प्लीज़ चेक ऑल डिटेल आफ्टर सबमिट योर कैन्यूम एनी चेंज, तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है तो ओके पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपने सही राइट यहाँ पर फिल किया है तो सबमिट पर जैसे क्लिक करते हो आगे हमें यहाँ पर जो है वो चालान की तरफ चले जाएंगे, हमारा चालान यहाँ पर जनरेट हो चुका है। यहाँ देख पा रहे होंगे चालान नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्रेफरेंस नंबर जो फॉर्म का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फीस आप देख सकते हो 1600 रुपये यहाँ पर लग रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर 1300 रुपये एग्जाम फीस लगेगी, 300 रुपये इनरोलमेंट फीस लगेगी, एनरोलमेंट फीस और ये दोनों लग के आपको 1600 रुपये यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। जूम करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी फीस ये अभी डिटेल आपको देखने को मिल रही होगी। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो पे फीस RPP पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ देख पा रहे होंगे आपका पेज यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो इसके थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, जैसे पेमेंट करते हो आपको फॉर्म प्रिंट आपको मिल जाएगा, उसको कॉलेज में जमा कराना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा, सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है, फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल ये आपको मैंने बताई है रेगुलर स्टूडेंटों की, अदरवाइज आप अगर नॉन स्टूडेंट और किस तरीके से नॉन स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल आपको मैंने बताया कि 1600 रुपये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं किसके, रेगुलर स्टूडेंटों के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।